गाइस इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन है ना, दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना लो, ग्राफ से ये क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि बाकी जो दूसरा तरीका है ना, उसमें बड़े सारे फॉर्मूले, आपको स्लोप का फॉर्मूला और वो सब याद करना पड़ जाएगा। स्लोप वाई वन माइनस वाई वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको ग्राफ से करो। देखो ये ऐसे बनाओ, एक एक्सेस घर पर ट्राई करना। तो पहले ए और बी दो पॉइंट होंगे, तो ए मान लो ये 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे से 1 2 3, ये तो मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए करेक्ट नहीं आएगा, 6 है ठीक है। तो ए के पॉइंट बनाओ 1 और 5, तो यहाँ का ही होगा ए पॉइंट। बी पॉइंट है 4 और 6, तो यहाँ का ही होगा। तो ये ए बी लाइन हमारी आ गई ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ऐसे होगा, तो इसको जब हम बाई को जब ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं काट रहा होगा ठीक है। तो यहाँ जब कहीं काट रहा होगा तो एक्स तो 0 होगा, और वाई जब आपको डायरेक्ट आप ज्वाइन करोगे ना तो वाई आपको 30 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ग्राफ में आप जब बनाओगे ना तो मिल जाएगा, वरना फॉर्मूले से तो लंबा चौड़ा हो जाएगा।